सकते हैं, ठीक है, दैट इज द बेस फॉर। आप अभी खलील अंदानी को देखे तो अच्छे इंग्लिश पढ़ेगा, लेकिन इल्म के एतबार से आप देखे वो आयत बेचारा, वो खुद ही जो है जाहिल है कुरान के एतबार से अगर आप देखे तो, इसीलिए तो बेचारा सामने आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और वैसी ही हालत राय कमालुद्दीन की है, वही अबू अली की थी, और वही हालत जो है ये आफताब की है, ठीक है। जो भी है, ओनली कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे एंड अच्छी इंग्लिश के बेस पे वो इस्माइलियों के आलिम बनते हैं। तो ये बेचारा, सॉरी, ये बेचारों को वहां से तो आंसर मिलेंगे नहीं, लेकिन अभी भी उनको ये यकीन इस्माइली को है कि मेरा इमाम अभी भी सच्चा है। तो भाई वो यकीन दिल से निकाल दो, क्योंकि ये पूरे जो है ना, अब इमाम अकले कुल है ना, तो इमाम अकले कुल है तो फिर वो तो ये सब जानता है, वो तो इसके किसी के दिल में डाल देता था खलील अंदानी के, ये जवाब दे, अगर अकले कुल है तो खलील अंदानी क्यों छुप छुप के भागेगा, इमाम उसके दिल में डाल देता था, वो जवाब दे देता था। तो ये सब जो अकीदे है ना मेरे भाई, वो छोड़ दो, कुरान पे आ जाओ, एक अल्लाह पे आ जाओ, तौहीद पे आ जाओ, वही सीधा रास्ता है। वहनी अबूदुनी आजा सिरा तुम मुस्तकीम, अल्लाह फरमा रहा सूरह यासीन के अंदर। और ये कि तुम, हालांकि उलमा इकराम बैठे, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, और ये कि तुम मेरी ही इबादत करो, वही सीधा रास्ता है, अल्लाह फरमा रहा है। तो इधर उधर तावील तमजील तफसीर वो सब छोड़ दो, वो आपका काम नहीं है, वो इल्म उलमा इकराम है जो कुरान के हाफिज है, जिन जो शेखुल हदीस है, जिसको 50-50 हजार 1-1 लाख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मालूम है, जिनको आयत नुजुल मालूम है, जिसको आयत क्यों नाजिल हुई, आयत किस हालत में नाजिल हुई, आयत का मफहूम क्या है, अहले बैत ने उसका मफहूम क्या किया, वो सब ये उलमा इकराम को मालूम है, क्योंकि वही तो वो पढ़ते हैं, वो थोड़ी खाली इंग्लिश पढ़ते हैं, यही तो उनको पढ़ाया जाता है। तो भाई वो सब उलमा इकराम पे छोड़ो, और आप जितना आप आ जाओ, जो बेसिक चीजें वो कर लो, बाकी तावील जो भी रहेगी आपको इंशाल्लाह बता देंगे वो। मैं वकील आयशा साहब शेख से, रहती अमजद है जी, आयशा साहब शेख से, कमेंट पढ़ लेती हूँ, एक सेकंड सिस्टर का। नो वन कुड हैव एक्सपोज इस्माइलिज्म एंड इट्स फेस जस्ट लाइक यू ऑल डिड, सिंस यू ऑल वर एक्समाइलीज, अल्लाह हैज चोजन यू टू एक्सपोज देम एंड गाइड देम टू द राइट पाथ। अल्लाह अकबर, बहुत ही बेहतरीन कमेंट हमारी सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें चुना है इस अल्हम्दुलिल्लाह काम के लिए। सिर्फ इस्माइलियों को अगर कोई एक्सपोज कर सकता था तो वो लोग कर सकते थे जो इनके बीच से आए हैं, जिनको इनकी तालीमात का पता है। इसका मतलब अल्लाह ने आपको चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देखिए, वकील बोलता हूँ से ना अभी कासिम टीवी, साहब ने भी बोला कि एक मिनट सर, अभी कासिम साहब ने बोला जी कि भाई उलमा इकराम जो है वो इस्माइली को गिनते ही नहीं है, ठीक है, जी लेकिन अब जब इस्माइलियों को गिनेंगे नहीं तो उस पर मेहनत कौन करना, यही हालत है। आप देखिए, दावत और तबलीग ले लीजिए, उलमा इकराम ले लीजिए, वो इस्माइलियों को गिनते ही नहीं है, तो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर मेहनत करेंगे कौन, वो तो बेचारे प्यासे है, गुमराह है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने जो है रिवट लोगों को ही उनमें से चुना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उलमा का साथ लेके अल्लाह के फजल से ये काम को अंजाम दे आज रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑन फील्ड। तो और मैं, मेरी गुजारिश है कासिम साहब से और मुमताजुल हक साहब से कि आप जो है उलमा इकराम को इस चीज के लिए बताए, उभारे, क्योंकि देखिए ये कौम बड़ी बिल्कुल अच्छी है, कौम भोली है, और उसके ऊपर मेहनत करना जरूरी है। गुमराह है, बहुत इंशाअल्लाह वो राह पे आ जाएंगे, और जब एक बार आएंगे तो इंशाअल्लाह जो है वो बेहतर करेंगे। मैं वकील साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप जो कह रहे ना मुखी साहब जवाब नहीं देते, भाई यही हम सब का हाल था, हम अपने इश्कालात एतराजात मुखी साहिबान मशनरी साहिबान के सामने रखते थे, लेकिन उनमें से कोई एक जवाब भी उनसे बन नहीं पाता। तो यही तो मसले थे, ये हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन जो बातें थी वो आपके अंदर भी है। आप अपने अकल को भी इस्तेमाल करें और कुरान मजीद का भी बिल्कुल बगैर तासुब से देखे और ये सारे सवालात उनके सामने रखे। माशाल्लाह आप तालीम याफ्ता इंसान है, आपने स्टडी किया है, आपके मालूमात है, सामने रखे, पकड़े उनको कि जवाब दो इनका। जब जवाब उनसे बेशक बन ना पाया, समझो कि राय हक के लोग नहीं है वो। हम भी इसी तरह कन्वर्ट हुए और आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपको इन चीजों तक, हक तक पहुंचने की आपको तौफीक दे, रिसर्च की आमीन तौफीक दे। आप अहले इल्म आमीन है, अकल आमीन वाले है, इंसान है, तालीम याफ्ता है, दुनिया से बाखबर है, इंटरनेट तक रसाई है, गूगल तक रसाई है, आप आगा खान के पूरे खानदान को रिसर्च कर सकते हैं, आप जो है ना कुरान खोल के तर्जुमा समझ सकते हैं, आप रिसर्च करें, दूध का दूध पानी का पानी होगा, दीन वाजे है, आसान है, आपके समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। हम सारे इसी तरह कन्वर्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त बातें। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ गए। अच्छा, ये सेकंड पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट होता है, शायद डिबेट का होता है या सब मिलके बात करते हैं, तो
इसके व्यूज भी काफी माशाल्लाह बढ़ गए हैं। ये कोई कमेंट पढ़ने की नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे फैनेस सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई को सब वेट कर रहे थे क्या? अली भाई को नहीं, मजाक मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक। अच्छा काशिफ रजा भाई, आपने बहुत ही वाहियात और गंदा कमेंट किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है, इससे ये साबित हो गया कि आप लोगों के पास जवाब नहीं। मौलाना कासिम, आप लोगों को दीन हक की दावत दे रहे और आप गालियां बक रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे हैदर हैदरी कहते हैं, अगर आप लोग अगर फारसी जबान में बात कर सकते हैं तो मेरे मैसेजेस आगे बताने में कुछ लिखा है। ठीक हैदर है। हैदरी साहब, मैं जो है ना फारसी जबान सीख के बोल भी रहा था, लेकिन 15-20 साल से एक फारसी बान से भी मेरी बात नहीं हुई, और जो है वो जबान भूल गया। अब ट्राई भी करता हूँ तो एक जी, दूसरे अल्फाज। मैं फारसी वान हूँ, अगर जी किसी को कोई माशाल्लाह सवाल अहमद देना। भाई बात कर लेते हैं फारसी जबान में, बहुत अच्छे से बात करते हैं। अच्छा मोहम्मद काशिफ, सैयद काशिफ रजा, अगर आप कह रहे हो कि मैं सुन्नी हूँ तो आपको ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आपको मुसलमान पहले होना चाहिए, आपने अपना तारुफ ही गलत करवाया है जी। रौनक बोगानी भाई ने बड़े अरसे के बाद ज्वाइन किया है। अली भाई सलाम, अली भाई को खाली सलाम, अली भाई आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे रौनक भोगानी भाई वही हैं जो कहते हैं कि मैं हाजर इमाम को भी सजदा करता हूँ, मैं ख्वाजा अजमेर पे भी जाके सजदा करता हूँ। और कंफ्यूज भाई हमारे काफी अरसे के बाद जो है इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यहाँ पे एक भाई कहते हैं, जवाब तो मेरे पास बहुत है लेकिन मैं फजूल टाइम नहीं, लेकिन बर्बाद नहीं रोहन करूंगा। रोहन भाई को रोहन बोगानी भाई को मैं एक ही बोलूंगा भाई, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि जो है ना, वो जिस तरीके से अपनी जिंदगी बिताए ना, बस उसी तरीके से अपनी जिंदगी बिता लो, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। खाली वही कर लो जो उन्होंने कर लिया, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हकीकत न्यूज, मैं तो बस आप ही को सलाम करता हूँ जी, आप लोग हमें ही सलाम करते हैं, वरना आप जमात खाने में या अली मदद और मौला अली मदद बोलते हैं। सही बात है, आप मुसलमानों को देख के सलाम करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि हाजर इमाम ने अपनी जिंदगी में यानी इनके इमाम ने इस्लाम मजहब में तब्दीली की और इस बुनियाद पे की कि उनको पूरा पूरा हक है। इस्माइली जमात के लिए सवाल ये आ जाता है कि जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया तो इनके इमाम ने दीन को क्यों तब्दील किया? टॉपिक वही रहेगा। अगर कोई हमें, क्योंकि अभी अचानक से बहुत ज्यादा व्यूअरशिप्स आ गई हैं, मुझे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इन सबसे सवाल है कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव ग्रुप कॉल पे, हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं अपने मजहब के हवाले से या इस्लाम मजहब के हवाले से, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को लिंक फिर दे दिया गया है, अपने सवाल लेके हमसे राब्ता कीजिए। हमारा सवाल आपसे ये कि हाजर इमाम ने इस्लाम दीन में तब्दीली क्यों की जबकि दीन मुकम्मल हो गया? बशारत हुसैन कुरबैग का पता नहीं, ये लोग गालियां देंगे, गाली देके क्या मिल जाएगा? अच्छा मौलाना कासिम साहब, एक बड़ी मैंने शायद सुनी भी है, कुछ बयान फरमाइएगा, जो लोग गाली बकते हैं कहीं हदीस में उसके बारे में कोई मुजम्मत किसी सहाबा की रिवायत, कुछ दो चार बयान कर दीजिए कि जो लोग गालियां देते हैं उन तक कोई दीन की बात पहुंचे ऐसे हवाले से, कि ये लोग जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी को नाहक गाली देते हैं, किसी औरत को गलत औरत कहते हैं, इसके बारे में कुछ बयान फरमा दीजिए। हाँ, बिला दलील किसी औरत नेक औरत पर बुहतान बांधे तो उसको शरीयत में 80 कोड़े मारे जाते हैं, ये इतनी सख्त अच्छा सजा है। और मोमिन के बारे में आता है कि मोमिन वो शख्स होता है, ईमान वाला वो होता है कि झगड़े में भी, आईन लड़ाई में भी ना लड़ेगा, किसी बात पे गुस्सा हो कि आपस में लड़ाई हो जाए उसमें भी बदजबानी नहीं करता है। और मुशाहिदे में देखा गया है कि जिसके पास दलील ना हो, बात करने की दलील ना हो, कुछ ना समझ आए, तो फिर वो शख्स गालियां देता है। जिसके पास दलाइल हो, आकर आराम के साथ उस पे बात करता है, या ये कहता है यार बस आप लोगों की बात समझ में नहीं आते, जो गालियां दे दे। तो एक तो यही है, दूसरा ये कि हमने मुशाहिदे में देखा है, अवामुन नास का भी यही राय है कि वो लोग गालियां देते हैं जिनकी तरबियत सही नहीं हुई। जो शरीफ नफ्स इंसान हो और खानदानी इंसान हो, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हो, दीन इस्लाम से मुताल्लिक पढ़ा हो, वालिदैन ने उसकी अच्छी तरबियत की हो,
तो वो कभी किसी इंसान को गाली बदजबानी नहीं करता है, और जो बदजबानी करता है ये उसके अखलाक किरदार और वालिदैन की तरबियत का असर है कि उसकी ऐसी तरबियत की गई है, उसको ऐसा पढ़ाया गया है कि वो बदजबान होता है, बदखुल्क होता है। हदीस में आता है कि एक मोमिन मुसलमान कभी भी बदजबान बदखुल्क नहीं होता है। ये बदखुल्क बदजबानी करना ये कुफार का शेवा है, मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान मोमिन नेक साले इंसान कभी भी बदजबान नहीं हो सकता है। बदजबान नहीं होता बचपन में, आप सही कह रहे हैं, माँ बाप की ट्रेनिंग होती है बचपन में, पता नहीं कहाँ तक सही है। घर वाले कहा करते थे कि गाली दोगे तो कब्र में बिच्छू आएंगे, तो डर लगता था कि किसी से बदतमीजी नहीं करो, कब्र में बच्चू आएंगे। बचपन की ट्रेनिंग होती है, माँ बाप पता नहीं बच्चों को सिखाते हैं और वही चीज जो है वो रह जाती दिमाग में अभी भी। शायद वो मुझे लगा कि कोई ऐसी हदीस होगी कि कब्र में बिच्छू बन के वो गालियां आ जाएंगी, तो मैं तभी आपसे कंफर्म किया कि ऐसी कोई रिवायत है कहीं पे तो बता दीजिएगा। अल्लाह ने खलील कुरान में अंदानी ही कहते फरमाया है ना, जी अल्लाह जी ने इसको बोलिए। कुरान में ही फरमाया है सूरा 16 आयत 90 में कि अल्लाह डजन लाइक इनडिसेंट एक्ट्स। तो इनडिसेंसी का मतलब क्या होता है, ये इसमें फाउल लैंग्वेज भी आ जाती है। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि उनको इनडिसेंट एक्ट्स पसंद नहीं है, कि इनडिसेंसी फाउल लैंग्वेजेस पसंद नहीं है अल्लाह को, तो अल्लाह खुद फाउल फरमा रहे हैं। लैंग्वेजेस। और मैं दूसरी आपको एक बात बताऊं नूरुल्लाह भाई, हम सब जितने भी लोग हैं, मैं एडमिन हूँ इन पेज की, मैं चाहूँ एक क्लिक से इनको मैं बैन कर सकती हूँ। बैन ना करने की दो वजूहत, एक तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ इस्माइली को, जो बाकी इस्माइली देख रहे होंगे, कि आप लोगों के पास जवाब नहीं होते तो आप लोगों की जमात के कुछ लोग किस तरह गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं हम पुरअमन हैं, हम सबसे अच्छी कम्युनिटी है, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, तो एक तो ये चीज आपकी झूठी साबित हो जाती है। दूसरा ये कि मुझे खौफ आता है, अल्लाह ना करे मैं किसी को बैन कर दूं, क्या पता मौलाना कासिम की या किसी की बात इनके दिल पे लग सकती है और वो हिदायत पा जाए, तो मैं सिर्फ इस वजह से मैं ये चीज। जी भाई बोलिए। कुरान की आयत उन्होंने बता दी कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन। कहा कि कोई कौम किसी कौम की, किसी बिरादरी की एक शख्स दूसरे शख्स के बारे में मजाक ना उड़ाए। एक ये बताया गया, क्या पता है वो उनसे बेहतर हो आमाल में। और आगे आके क्या, वला तनाबज़ु बिल अल्काब, कि किसी को बुरे अल्फाज के साथ, गालम गलोच के साथ मत पुकार, मत नाम लो, नाम मत बिगाड़ो। बिसल इस्मुल फुसूक बाद अल ईमान, ईमान के बाद ये बहुत बुरी बात है, गंदी चीज है किसी को बुरे अल्काब से पुकारना। तो इसी के तहत उलमा ने यह भी लिखा है कि किसी को मोटू पतलू काना काला लंबू कहा कि ये अल्फाज, इनसे भी मना किया गया है कि इससे भी मुसलमान की दिलाजारी होती है, गाली देना तो बहुत बुरी बात है। जी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोग बैक बाइटिंग कर रहे हो हाजिर इमाम की। जी आप बैक बाइटिंग की बात कर रही हो सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर नसरीन है कोई, मुझे कह रही है आप बैक बाइटिंग कर रहे हो, आप चुगलखोरी कर रहे हो इमाम की, लेकिन यहाँ पे तो बहन हमें लाइव गालियां पड़ रही हैं आपकी ही जमात से, तो हाजिर इमाम को चाहिए था ना कि पहले इनको समझा ले। दूसरी बात ये कि काश कि हमारी कोई बात आपके दिल पे लग जाए, इसलिए हम आपकी गालियां खाने को बर्दाश्त हैं लेकिन हम आपको बैन नहीं कर रहे, तो हम बड़े अल्लाह के। जी भाई बोलिए। मैडम को बोलना चाहूंगा कि हाजिर इमाम अकले कुल हैं, तो हम अगर उनकी चुगली वगैरह कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए ना, उनको लाइए यहाँ पर कॉल पर, हाजिर इमाम को कॉल पे लाइए। खलील अंदानी कहते हैं यू ऑल ईट फ्रॉम चुगली जो होती जी, है ना चुगली, वो मुसलमान मोमिन के जिसको कहा गया है गिब्बत, मौलाना कासिम बेहतर उसके बारे में मैं खाली बता रहा हूँ आपको, गिब्बत बोलते है जिसको, और गिब्बत जो है मुसलमान की ऐसी है कि मुसलमान अपना भाई का गोश्त खा रहा है, उतनी बुरी चीज बताई गई है हदीस की रोशनी में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम आपको जो कर रहे हैं ना, वो इमाम की कोई चुगली या गिब्बत नहीं है, ये आप लोगों को आग में से खींचने का काम है, और किसी से बचाने के लिए किसी के बारे में बात करना वो इस्लाम के अंदर जायज है। तो ये इमाम के बारे में जो है ना, ना चुगली में आएगा ना गिब्बत में आएगा, ये तो पूरा हकीकत में आएगा। और कल कयामत के दिन जो आप ये गाली बोल रहे हो ना, कयामत के दिन आप अपने इमाम के लिए निकालेंगे ये बात सीधी, ठीक है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, तो भाई सोचो उसके ऊपर, गौर करो, आ जाओ सामने और प्रूव करो, उसमें गाली की इसकी उसकी बात ही नहीं, आप अपना मुंह क्यों खराब करते हो। और वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अपनी जबान को है ना कंट्रोल में रखो, तब तक ना खोलो जब तक कुछ खैर की बात ना करो, खोलो तो खैर की बात करने के लिए खोलो,
ठीक है, मुझे तो ये बड़ी आपके हंसी लिए बात अगर आ रही है अली गाली खैर की भाई। बात है तो फिर आप बेहतर। जी, अली भाई देखो ये गाली क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जवाब किसके पास है? जवाब इनके मिशनरी खलील अंदानी के पास है। तो गाली खाने का हक तो इस वक्त खलील अंदानी को है, जिसने जमात को मजबूर कर दिया है कि वो उसको इतना छोड़ दिया कि हाजिर इमाम भी जवाब नहीं दे रहे, मिशनरी बैठा है, नहीं, काजी देखिए लाइक सॉरी, मैं है। करेक्ट करेक्ट करना चाहूंगा, खलील अंदानी के पास भी जवाब नहीं है। होता तो बेचारा आता था ना सामने ना, इवन ये जवाब कोई भी मिशनरी के पास आपको नहीं मिलेगा। और हर एक जो जवाब, एक सवाल आप अगर हिंदुस्तान में कोई मिशनरी को पूछोगे उसका जवाब आपको अलग मिलेगा, पाकिस्तान में पूछोगे जवाब अलग मिलेगा। यानी कोई जो है ना ट्रेडिशनल आंसर भी इन लोगों के पास नहीं है, जिसको जो समझ में आया वो बोल दिया। और बीच में जो नहीं बात नहीं चल रही थी ना कि ये लोग अपने आप को छुपाते हैं, तो वो तो इमाम चाहते हैं ना भाई, जाहिर हो गया तो धंधा बंद हो जाएगा ना, इस्माइली को समझ में आने लगेगा तो धंधा बंद हो जाएगा। अली भाई, मिशनरी जो अलग अलग आंसर्स देते हैं ना, ये इसकी वजह ये है कि इनका कोई रिटन लिटरेचर नहीं है, इनकी कोई रिटन जो है ना वो किताब नहीं है कि ये जहाँ से ये सेम आंसर दे पाए। ये अलग 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 इनके थॉट्स हैं, ये सब ब्रेन वॉशिंग के काम करते हैं और कुछ नहीं है इनका। ठीक है, खलील अंदानी कहते हैं आप लोग आगा खान का पैसा खाते हो, उसके हॉस्पिटल और स्कूल इस्तेमाल करते हो, शेम ऑन यू। अब मतलब जवाब नहीं हुए तो अब उन्होंने हमें शेम ऑन यू बोल दिया, जवाब चाहिए। अली भाई जवाब दीजिए, अली भाई किधर गए? मैं जब इस्लाम पे आया ना तो डीसीबी का एक लोन ले रखा था मैंने, डीसीबी अच्छा। का, एंड एक दूसरी बैंक का भी था। डीसीबी का लोन सस्ते वाला था, तो जब इस्लाम पे आया तो सबसे पहले मैंने वो सस्ते वाला था लेकिन पहले पे किया था, इसीलिए कि कोई इस्माइली मुझे ये ना, हालांकि मेरे दशवन के पैसे बहुत बाकी है लेकिन फिर भी मैंने पे किया था डीसीबी वाला लोन, ताकि कोई इस्माइली ये ना कह सके कि भाई तुमने इमाम का जो है तुम्हारे पास पैसा है या ये है या तुम्हारे ऊपर कर्जा है। तो मेरे भाई इस्लाम पे आने के बाद जो है खाली अल्लाह के ऊपर तवक्कल होता है, ना आगा खान, ना तुम्हारा डीसीबी, ना तुम्हारा हेल्थ केयर, नथिंग विल गोइंग टू हेल्प यू। अल्टीमेटली जो है, जिसको बोलते हैं हमारे कासिम साहब बेहतर बता सकते, तवक्कल तो अल्लाह ही। तो मेरा भाई बिल्कुल। हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हसबुन कहते हैं यू अल्लाह व ऑल ईट, नियमल वकील। यू ऑल ईट आगा खान मनी, लेकिन अगर आप आगा खान के मनी की बात करते तो आगा खान के पास अपना कोई भी पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है वो इस्माइलियों का है। तो ये करेक्ट करके आगा खान हटा के इस्माइलीज लिख दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आगा खान भी इस्माइलियों का ही पैसा खाता है, उसी से वो अय्याशी करते हैं। सॉरी खलील सॉरी सॉरी, अंदानी आगा खान जी भी मत बोलिए, आगा खान ही इस्माइली का पैसा खाता है, अच्छा वैसा बोलिए। वही तो खाता है ना, और कौन खाता है। ये तो बेचारे उनके जो है काम करता लोग है जो मिशनरी है, तो काम करने वाले को तो सैलरी देगा लेकिन पैसा तो इस्माइलियों का आगा खान ही खाता है। एक बात की मैं भी वजाहत करना चाहता हूँ। जी मुझे मेरे वालिद साहब जब हिफ्ज करने के लिए कराची मदरसे में दाखिल किया, तो उस उन्हीं दिनों में चचा, मेरे दो चचा वहां रहते थे, गार्डन जमत खाने में आगा खान बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने बात की कि हमारा जो भतीजा है ये अभी हिफ्ज करने जा रहा है, ये बाद में हमारे लिए मसला बनेगा। तो उन्होंने हमें ऑफर की कि आपका बच्चा यहाँ से पढ़ेगा बोर्डिंग में फ्री, हालांकि बहुत भारी फीस है, वहां स्कूल में रहेगा, उसके बाद ये यहाँ से मैट्रिक पर पास करके आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी के सब खर्चे हमारे हैं, उसके जी बाद हम उनको जो है ना बाहर मुल्क में, अमेरिका में या लंदन में, यूके में, इतने मतलब बहुत ज्यादा रकम बताए, इतने जॉब भी इनको देंगे, ये सब जिम्मेदारी, ये एक सीट इनके लिए हमारी तरफ से फ्री है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का ईमान बना हुआ था, मुकम्मल कन्वर्ट हो गया, काफी अरसा हो गया था, उन्होंने फिर अपने चचा भाइयों को भी नाराज न हो जाए उनको कहा कि नहीं मेरा एक बेटा है, ये एक सीट पे आगे जाके जाएंगे तो ये तो क्या पता है मर जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे खानदान के लिए एक सीट रखे, ये पढ़ के निकलेगा, दूसरा तीसरा चौथा आएगा। वाली साहब का अंदाजा था कि ये लोग नहीं मानेंगे तो मेरे भाई भी नाराज नहीं होंगे, मैं इनको हिफ्ज के लिए मदरसे में दाखिल करूंगा। तो ये लोग, ये बात उन्होंने नहीं मानी, मुझे तो उन्होंने ऑफर किया था कि आपके लिए सीट फ्री है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त उनको लात मारा, मैं तो छोटा था मुझे मालूम नहीं था, वाली साहब ने लात मार के उधर से हम निकले हैं। और ये जो है ना कासिम साहब, ये जो है ना इस्माइलियों की एक फलसफी रही है, इवन कोई भी बंदा अगर जमात खाने के अंदर कुछ
इमाम के खिलाफ सवाल जवाब भी करने लगेगा तो नेक्स्ट जो है ना उसको पोस्ट मिल जाएगी मुखी के कामड़िया की, या कम से कम ट्रॉली में डाल दिया जाएगा बैतुल ख्याल में 5 बार साल में, ठीक है। और ये होता है, ठीक है, और ये उन लोगों की पॉलिसी है कि भाई जो भी सामने कुछ बोलता है या क्वेश्चन करता है उनको पाठ पे बिठा दो ताकि उनके क्वेश्चन बंद हो जाए, ठीक है। ये उनकी बाकायदा पॉलिसी है, बाकायदा पॉलिसी है। अच्छा, जहाँ पे जो जो जगह पे जो है ना मुसलमान ज्यादा, इस्माइली जो है मुसलमान से ज्यादा मुतासिर होते हैं ना, तो वहां से उन लोगों को 6 महीना का राशन पानी देके, घर किराए का फ्लैट देके, सब कुछ देके, बच्चों को पढ़ने की स्कॉलरशिप देके जो है बड़े सिटी में उनको भेजा जाता है ताकि वो जो है इस्लाम से मुतासिर होना बंद हो जाए। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें बेचारे वो लोग करते रहते हैं ताकि जो है लोग के दिल ना खुले, अल्लाह जो है हिदायत, लेकिन वो भूल गए कि हिदायत देने वाली जात अल्लाह की है, जिसको चाहे जहां चाहे वो बिल्कुल बराबर हिदायत दे देगा, लेकिन ये लोग अपनी कोशिश करते रहते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। और यहाँ पे जो है इस्माइलियों को समझना चाहिए कि मेरे भाई ये पैसे जो है, ये स्कॉलरशिप जो है, ये आपके आगा खान साहब जो है वो भी कहते कि तुम कुरान पढ़ो, उसके भी 2 फरमान है ये करंट आगा खान के, जहाँ पे ये भी कहते कि अरेबिक जबान हमें सीखनी चाहिए वरना हम कुरान के मायना नहीं समझ पाएंगे। तो आप ये बताओ, 10वीं के लिए आपके पास स्कॉलरशिप है, 12वीं के लिए स्कॉलरशिप है, 1st से लेके 10th तक स्कॉलरशिप है, हाफिज कुरान के लिए कितनी स्कॉलरशिप देते हैं? खलील अंदानी अगर इसमें कॉमेंट कर दिया तो जरा आसानी रहेगी समझने में कि कोई बच्चे को हाफिज कुरान बनने के लिए जमात खाने में से कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन इनका जो है कुरान का तो इन्होंने इनके इमाम ने फरमा दिया है ना कि कुरान तो 1300-1400 साल पुराना है, अब आपके लिए कुरान नहीं गिनान है, तो यही मसला खत्म हो गया अली भाई। नहीं, वो सुल्तान मोहम्मद शाह का था, वो उसने तो ये भी फरमाया था कि भाई मैं ही खुदा हूँ। ये जो करंट इमाम है ना उसका ऐसा कोई फरमान नहीं है, करंट इमाम का तो ये फरमान है कि तुम जो है कुरान को पढ़ो, 1967 का एक फरमान है, देन अगेन नियर अबाउट 1999 या 1992 का है कि हमको कुरान के हमें अरबिक भाषा सीखनी चाहिए ताकि हम कुरान के मायना समझ पाए। तो इनके 2 फरमान ऐसे हैं जो जो कुरान के ऊपर है, कुरान सीखने के लिए और अरबिक भाषा सीखने के लिए वो उसके फरमान आए हैं। और जहां तक मेरा इल्म है वो पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में हुआ होगा, जो मुस्लिम कंट्रीज है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें कैसे ज्वाइन होना है। मैंने लिंक तो सबको ही दिया था लेकिन फिर भी मैं दोबारा से सेंड कर देती हूँ। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने भी पूछा है कैसे ज्वाइन करना है। खलील अंदानी, तो अच्छा खलील अंदानी से मुझे एक और सवाल करना था मेरे जहन से। हाँ, ये रौनक बुहानी कहते हैं कुरान की क्लासेस भी होती हैं अली भाई REC में। अली भाई होती है? मैं जब पढ़ता था ना, और मैं जब पढ़ाता था S1, S2, S3 के अंदर 4 सब्जेक्ट आते थे, उसके अंदर एक कुरान शरीफ का बकायदा एक बड़ी किताब आती थी, और इतनी बड़ी मोटी किताब की जो है फिजिकली कुरान से भी बड़ी, यानी कुरान जितनी बड़ी किताब है ना फिजिकली उससे भी बड़ी किताब थी वो, लेकिन उसके अंदर कुरान की 10 सूरा नहीं थी, लेकिन टॉपिक का नाम था अपना कुरान शरीफ। अच्छा, अब आप समझ लीजिए आरसी में कितना कुरान पढ़ाते हैं। उनको कम्प्लीटली ये अलग अलग थियोलॉजी के अंदर, ये खलील अंदानी वही तो बेचारा काम करता है ना, अलग अलग थियोलॉजी के अंदर उनको डाला जाता है, और हल्लू हल्लू जो रिलीजियस जो भी चीज थी वो पूरी उठा ली गई है एजुकेशन में से। सही। अच्छा, यहाँ पे एक है माँ की दुआ का कोई कमेंट है, मुझे कॉल पे एक्सेप्ट करें तो आपको हमने लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक कमेंट था, रौनक बुगानी कहते हैं नहीं अलग से हो रहा है अली भाई, जिसको कुरान की क्लास करनी हो उनके लिए अवेलेबल है। अच्छा, माशाल्लाह, मुसलमान बढ़िया है। ये तो कौन से एरिया में हो रहा है? हर इलाके का तो अलग अलग तरीका होता है, पता नहीं किसको। ये रौनक बोगानी जो है ना ये इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके उनके रिलीजियस सेंटर में या उनके जमात खाने में ऐसी कोई
क्रिया या कार्रवाई होती होगी, चीज होती होगी कि वहां पर उनको कुरान पाक की तालीम दी जा रही हो सकता है। नहीं नहीं इस्माइली देखिए, ये जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे लेटेस्ट उससे वाकिफ हूँ। बाकायदा बगैर तरीका बोर्ड की परमिशन के ये कुरान की तालीम ये लोग नहीं दे सकते हैं। कुरान के नाम पे ये लोग बहुत चीजें चलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक जमात खाने के अंदर मैं एक बार बैठा था, फर्स्ट इस्लाम पे आने के बाद फर्स्ट लाइन में ही बैठा था, और इंडिया के अंदर अबू अली धनानी जो है ना, उसकी एक क्लिप आई थी दोनों दुआ के बीच में कि आज हम समझेंगे कि कुरान और हमारी इमामत। तो मैं समझा अभी कुरान की आयत कोट करेगा, तो उसके अंदर उसने बोला इमाम ने बोला है कि हमें कुरान जो है वो पढ़ना चाहिए, उसके मायना समझने चाहिए, और जो है इस तरह कुरान की एक भी आयत कोट नहीं करी। फिर लास्ट में बोल रहे आज हमने समझा कि कुरान और इमामत। अरे क्या समझा भाई, एक आयत तो तूने बताई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है उनका कुरान। हकीकत बोल रहा हूँ मैं, आप देखिए जमात खानों के अंदर इस तरीके के विचारों को आते हैं। अब इसमें क्या है मालूम है, ये जो खलील अंदानी बोल रहा था ना कहा वो इस्माइली ग्नोसिस पे, तो मैं आपको इस्माइलिज्म समझाऊंगा। तो ऐसा है वो अंधा जो होते हैं ना, अंधे को आप अगर वो हाथी बताओगे और उसके हाथ में पैर आ जाएगा तो वो उसको खंभा ही समझेंगे ना। तो समझा ही रहा है अंधों को ना भाई, आपके सामने आएगा देखने वालों को, तू समझा ना, इधर आ जा भाई, हमको समझा दे। हमको जब आप समझाओगे तो हमें आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और असल में क्या है। लेकिन आप जिसको बेचारे को आ रहा ही नहीं उसको बोल रहे हो इस्माइल इग्नोसिस पे आ जा और मैं आपको समझा दूंगा, क्या समझाएंगा बेचारा, बोलिए। तो खुद को समझ में आएगा तो वो किसी को समझाएगा ना। अगर उसको समझ आता होता तो वो इतना बड़ा लेक्चर देता है, वो PhD डॉक्टर बना हुआ है, यूट्यूब पे वो बैठ के गोरों को समझा रहा है इस्माइली इमामत, तो यहाँ पे क्यों हथियार डाल दिए? क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत कुरान कोट करूंगा, आगे से मौलाना कासिम बैठे हैं और शेख मुमताजुल हक बैठे हैं, पकड़ लेंगे मुझे। वो पढ़ता उनके सामने है जिनको कुरान नहीं आता, जिस तरह राय कमालुद्दीन ने गलत कुरान की तशरीह की, उसे पता है कि आगे आगे वाला कोई पकड़ने वाला नहीं है, कौन कहेगा गलत तर्जुमा कर रहे हो। तो अभी ये इसीलिए भाग गए खलील अंदानी, कहते हैं मेट्रोवेल फ्लाइट स्कूल में कुरान पाक की क्लास होती है। अच्छा ये सारे अपने अपने बता रहे हैं, मैं ये कहती हूँ हाजिर इमाम ने कहाँ आपको कहा है कि कुरान पढ़ो? जी, कोई फरमान? मैं खुद मेट्रोविल जमात खाने में था और मैं इस भाई को जानता हूँ जो ये मैसेज कर रहे हैं, इनका नाम जावेद भाई है। मैं आज जमात खाने में आज तक किसी ने कुरान पढ़ा है एक दिन भी? आप मुझे बताए, मैंने आज तक जमात खाने में किसी को कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा है जो कुरान की किताब हो और उसको पढ़े, मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, लेकिन तो ये बातें कुछ कहती है, ये बातें मतलब हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे। आप मस्जिद में जाओगे तो लोग कुरान पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने आज तक 28 साल तक मैंने मिसाल के तौर पर किसी को नहीं देखा है जमात खाने के अंदर कुरान पढ़े। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर क्लास चल रहे है ना, तो मैं ये भाई को बोलूंगा कि मेरे भाई एक काम करो, दुआ के अंदर जितनी भी कुरान के आयात को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया है ना वो सीख लो, कम से कम कुरान सिखाया अगर जा रहा है तो आपके लिए गनीमत है, वो सीख लो, उसकी मायना सीख लो और फिर उसके ऊपर गौर करो। जी मौलाना कासिम, नॉर्दर्न एरियाज में हुंजा, गिलगित साइड, गिजर और चित्राल में, उन इलाकों में जमात खानों में अपने तालीम के साथ साथ कुछ देर के लिए जैसे देश वैसे बेस की बुनियाद पर कि हम मुसलमानों के बीच में रहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ ये भी, और जॉब हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जगह इंटरव्यू हो तो हमें कुछ बताना पढ़ना आ जाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ शुद्ध बुद्ध होने के बराबर तर्जुमे नहीं, सिर्फ कुछ ना कुछ अरबी के तहत कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे इलाके में क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब मेरे कजिन को, जो सारे इस्माइली है, उनको कुरान पढ़ाते थे, कहते थे बेटा कुरान आ जाएगा ना इंशाल्लाह, ये बड़े होके समझ जाएंगे। तो क्या हुआ कि जमात खाने में जो टीचर थी वो सब गलत पढ़ा रही थी। जो मेरी कजन है वो मेरे वालिद से पढ़ के गए थे, उसने कहा कि सब गलत पढ़ा रहे हो, तो वो टीचर नाराज हो गए। फिर जमात खाने वालों ने वाकई देखा तो वो सही नहीं पढ़ा रही थी जी, मेरे कजन मेरे वालिद साहब ने जो कुरान पढ़ाया उनको उधर टीचर ले गया कि आपको सही आते कुछ ना कुछ आप इनको बताएं।
तो ऐसे टीचर है, ऐसे पढ़ना है, मुस्लिम कंट्रीज में है तो बस जॉब वॉब में इंटरव्यू के सिलसिले में थोड़ा बहुत ताल्लुक रखने के लिए कुछ ना कुछ देखते हैं। उन भाई का कॉल भी इतना कुछ गलत नहीं है कि भाई इंटरव्यू में जाएंगे। तालीम बहुत ज्यादा आपको पता है, ये जो फिरका है इनके अफराद हासिल करते हैं, तो उसलिए सिर्फ ये क्या चीज है, इतना ही ताल्लुक रखने के लिए कुछ ना कुछ इब्तदाई तौर पर पढ़ लेते हैं। जो तजवीद प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं होता है, तर्जुमा मफहूम तफसीर शान नुज़ूल पस मंजर, वो तो दूर की बात है, उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मजे की बात, एक खालिद अंदानी कहता है कि मुझे सही तरह तशरीह भी आती है, मैं सही उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी बातें तशरीह आती है, उसके सारे आर्टिकल्स बातिनी उस पर होते हैं। इसने एक यहाँ पर कमेंट किया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ हैं और ये कभी अलग नहीं होंगे, और हमारा इमाम, आवर इमाम इज आवर कुरान, हमारा इमाम हमारा कुरान है। पहला सवाल ये कि अगर इमाम कुरान है तो वो कुरान में से आपको क्या समझाता है, क्या सिखाता है? दूसरा सवाल ये कि खालिद अंदानी, तुम्हें किसने हक दिया, मतलब आपको किसने हक दिया कि आप कुरान का तर्जुमा, आप कुरान की तशरीह खुद करो जबकि आपको कुरान पढ़ना नहीं आता? मैं खालिद अंदानी को फिर एक और चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारी बताई हुई कुरान में से कोई भी आके सूरह जो है लाइव आकर सिर्फ पढ़ के चले जाओ, तो नहीं उसकी सूरा जो है नहीं, तलावत। सूरा नहीं, जी एक आयत पढ़े आकर देखते हैं अच्छा, कैसे पढ़ते हैं आप, सिर्फ एक आयत का चैलेंज। सूरा भी खत्म हो गई, एक आयत। इसको जाहिल को ना सूरा और आयत का फर्क कभी नहीं पता होगा, मैं भी ये भी ये भूल बात, दूं। ये तो आके नहीं, वक्तुल दूसरा शरीफ बिल्कुल सही ना फी इमाम मुबीन भी सही नहीं पढ़ सकेगा। सही ये बात है। देखिए, दूसरी दूसरी चीज जो है ना, ये उसने जो लिखा ना बेचारे ने, अब देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद हैज सेड द कुरान इज विथ माय अहले बैत एंड माई अहले बैत इज विथ माई कुरान, मीन्स विथ, आगे उसने अपना लिखा एंड दे विल नॉट, एंड दे विल नॉट पास टिल कयामत, ये कहाँ पे सही। है बताइए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। दूसरा उसने जो लिखा अवर इमाम इज अवर कुरान, तो भाई इमाम कुरान है तो दोनों को साथ में रखने की जरूरत क्या है? तो नौज़ु बिल्ला प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बोलते थे, इमाम को पकड़ लो वही कुरान है। भाई हाँ, अलग अलग आप क्यों अक्ल बोला? रखते हैं, आप जब अकल रखते हैं तो आप जो है अकल रखते हैं तो आप सोचना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों बोलते थे कि कुरान विद इमाम, वो तो बोलते थे इमाम इज कुरान और इमाम में कुरान, सो खत्म हो जाती थी बात। तो भाई ये सब रहने दो खलील साहब, आपकी बेइज्जती बहुत हो रही है, अब रहने दो। लेकिन आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यार कम से कम न्यूट्रल बन के देखो, बहुत पछताओगे यार। कुरान पाक के अंदर सूरह कहफ के अंदर अल्लाह फरमा रहा है, क्या मैं तुमको बता दूं कि आखिरत के एतबार से सबसे घसारे में रहने वाला कौन शख्स है, कि जो दुनिया को ही तरजीह देता रहा, दुनिया को ही हर चीज समझता रहा और ऐसा लग वो समझता रहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आखिरत के एतबार से जो है वो जीरो है। तो भाई जरा सोचो खलील साहब। अहले बैत में से ना जिन जिन लोगों ने कुरान की तशरीह की है, हम उन तशरीहात सबको मानते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल तफसीर में हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है। हम किसी मसले में मुख्तलिफ अकवाल हो, जहां इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली करम अल्लाह वजहू का कौल हो, यहाँ तक के 11वें इमाम तक, वो भी हमारे बुजुर्ग थे, ताबीन थे, तबा ताबीन थे, नेक लोग थे, वो हदीसों की रिवायात उनसे मौजूद है, तफसीर की रिवायात है, उन सबको हम अपने सर आंखों पर रखते हैं, अपने सर का ताज समझते हैं उनको, उनकी तशरीह को हम सबसे पहले कबूल करने वाले हैं। अहले बैत हमारे, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। आप जिन अहले बैत के पीछे चल रहे हैं, ये अहले बैत नहीं है, ये नहीं है, ये झूठ है, इनका सिलसिला नसब नहीं मिलता है। जो अहले बैत है उनको भी हम मानते हैं, उनकी तालीमात पर हम अमल करते हैं, और उनकी तशरीह जो कुरान की है उनको हम मानने वाले हैं, आप नहीं है। बिल्कुल और सही है खाली एक निगरानी देखिए, के। एक सीधी बात देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में थी ना, मन कुंतु मौला हुआ फाजा अली मौला, ठीक है? उन्होंने तो सही। ये नहीं कहा मन कुंतु मौला हुआ फाजा अली मौला फिर उसका बेटा मौला, ऐसा तो कुछ बात हुई नहीं है ना, ठीक है? सही। तो चलो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, आप बहुत बोलते हैं ना अली मौला है, ये है, चलो हम भी कहते हैं अली मौला है, ठीक है? एक काम करेंगे, जिस तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु ने जिंदगी बिताई है, हम सब
हम भी तैयार है, आप भी तैयार हो जाओ, चलो वही तरीके पे अपनी जिंदगी बिताएंगे, चलिए आ जाओ इस्माइली, चलो जैसा उन्होंने जिया जिस तरीके से उन्होंने इबादत की, आ जाओ हम भी वही तरीके पे इबादत करेंगे, आप भी वही तरीके पे इबादत करो, तो अभी मालूम हो जाएगा कितने आप हजरत अली को चाहने वाले हो। जितने साल उन्होंने खिलाफत की है उस वक्त वो ईद की नमाज किन को पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, जुम्मे की नमाज का खुतबा वो कैसे पढ़ते थे, किन को पढ़ाते थे, मुक्तदी कौन होते थे, किस मस्जिद में पढ़ाते थे, कूफा में वो जब निकलते थे तो वो इमामत कैसे करते थे, उनकी इक्तिदा में लोग कैसे नमाज पढ़ते थे, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की इमामत कैसे करते थे, नमाज कैसे पढ़ाते थे, रोजा कैसे रखते थे, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के ऐन शहादत के वक्त भी असर की नमाज उसने कैसे पढ़ी थी, उनको मजबूत अहादीस रिवायतों से हम देखते हैं, उसी के मुताबिक अमल करेंगे। आप भी आ जाए, हम भी तैयार है, जबरदस्त बात की है अली भाई। अच्छा मौलाना कासिम साहब, जब हम कहते हैं इनके मुखी और मिशनरियों को कि हमसे बात करो, तो आफ्ताब हुसैन मिशनरी कहते हैं आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो, वहाँ यूट्यूब पे है, या मेरा लेक्चर सुन लो। खलील अंदानी को बुलाया, वो अभी बैठे हैं पूरी लाइव स्ट्रीम में, अभी ये 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम हो गई, इस पूरे उसमें स्ट्रीमिंग में मौजूद थे, अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ समझना है तो मेरा आर्टिकल पढ़ लो। ऐसा क्यों है कि इनके बड़े बड़े मिशनरी जो नाम निहाद इनके हैं मौलाना कासिम साहब, ये फेस टू फेस क्यों नहीं बात करते, ये क्यों अपने ऑडियो और आर्टिकल्स की तरफ हमें भेजते हैं? वो जमीर जाफरी एक शियों का एक वो था मजलिस पढ़ाने वाला ना, उसके सामने लोग बैठे होते, वो कहता था कि वो नेपाल के जंगलों में लोग जंगलों में जाते हैं, या हुसैन करके खुद को मारते हैं और मर जाते हैं, और शाम को उठकर घर आ जाते हैं, सामने वाले वाह 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 वाह। तो भाई इनके भी ऐसे है, इनके बोलने वाले भी, सामने बैठने वाले भी, लिखने वाले भी, पढ़ने वाले भी, कि पढ़ने वाला भी जाहिल आजम है, सामने वालों को कुछ नहीं पता है। तो यह आए बैठे, हम आपको बताएंगे आयत कैसे पढ़ी जाती है, तशरीह कैसे की जाती है, मुफस्सरीन ने क्या राय किया है, और जो है ना अरबिक लुगात पे बात होगी तो हम आपको एक एक हरफ, एक एक लुगत, सीगा, मसदर कहाँ से निकला है, कैसे तब्दीली उसमें हो सकती है, क्या कितने उसके लुगात में मानी है, अहले अरब उसको कैसे अपने मुहावरात में, अशार में इस्तेमाल करते हैं, इन पे आपके बात होगी। सामने बैठे हैं सारे ऐसे ही जैसे मैंने मिसाल दी, तो उनमें आंधों में काना राजा है, कुछ उनको पता नहीं है, ये जो भी बोले तो वाह वाह बोलेंगे वो भी। दूसरा ये कि अभी तो लाइव बेइज्जती हो जाएगी ना, गलती गलती हो गई। नहीं और नहीं नहीं, ये अभी जो कासिम साहब ने बोला ना कि आओ हम आपको पूरी तशरीह से बताएंगे, तो उनको वो तो बिचारों को आता नहीं है ना, इसीलिए लाइव नहीं आते हैं। और सेकंड जो है, आप उसको एक सवाल पूछेंगे तो उसका आंसर उसको घुमाने के लिए हजरत आदम तक जाना पड़ता है, तो वो तो 2-4 मिनट में आपको आंसर देने से रहे, हजरत आदम तक ऐसा ऐसा घुमा के बिचारे इस्माइली, जब ये क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है ना, मैं बहुत बार जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इस तरीके से उसको घुमाते है ना कि वो फिर बंदा ही भूल जाता है कि मैंने सवाल क्या पूछा था, बाद में सोचा तो ना जवाब मिला और उसने 1 घंटे का जवाब दे दिया, तो इसीलिए वो बेचारा बोलता है कि हमारे आर्टिकल सुन लो, हमारे आर्टिकल पढ़ लो, हमारे यूट्यूब के वीडियो सुन लो, क्योंकि यहाँ पे भी आया तो आप तो उसको वो परमिशन देंगे नहीं, वो अलाउ करेंगे नहीं, और ना तो वो जवाब दे पाएगा, तो इसीलिए बेचारा आर्टिकल का हवाला दे रहा है। हमारे यहाँ यह होता है कि कोई इस्लामी आपको इश्काल हुआ, आपको सवाल हुआ, आपने फतवा पूछना है, तो हर मस्जिद में, अक्सर मसाजिद में, मदारिस में दारुल इफ्ता बना हुआ है, उसमें उलामाए किराम बैठे हुए इंतजार में मुताला कर रहे, जैसे कोई साइल आए उससे पूछते हैं कि आपको अभी फौरन जबानी जवाब चाहिए या आपको लिख कर देना है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे जबानी बताओ, फौरन बता दिया जाता है कुरान हदीस के हवाले के साथ। अब अगर वो कहता है कि नहीं मुझे कोर्ट में पेश करना है, फलान जगह जिरगे में ले जाना है, मुझे लिख कर फतवा चाहिए, उसको कहते हैं अपने सवाल वही अल्फाज जो अमल जो आपके जहन में शिकार है लिखो, कागज पे वो लिखता है, उसके बाद उलामाए किराम वो लेते हैं, उसको 1-2 दिन का टाइम देते हैं, क्योंकि लिखना अपने पास सेव करना, उसमें दलाइल लिखना और कुरान हदीस में उसको ढूंढना, वहां से हदीस की बहुत सारी किताबें उसमें सर्च करके सबसे पहले कुरान की आयत लिखते हैं, उसके बाद अहादीस लिखते हैं, उसके बाद फतवा की किताबें उलामाए किराम ने कुरान अहादीस से जो मसाइल अखज किए हैं उसमें रद्दुल मुख्तार, दुरुल मुख्तार, शामी,
जो अलामा इब्न आबिदीन की है फतहुल मुल्हिम, उसके बाद जो है ना फतहुल कदीर, इतने बड़े बड़े फतवा की किताब जो 500 उलमा बैठ कर कुरान व हदीस से अखज किए हैं, फतवाए हिंदिया, फतवाए हकानिया, रहीमिया, ये सब से हवाले, सफा नंबर, आयत नंबर, हदीस नंबर सब लिख कर मोहर लगा कर, मोहर लगाने का मकसद ये कि इसको अदालत में भी साबित करना हुआ हम साबित कर सकते हैं, इस तरह फतवा लिखकर उसके हवाले कर जाते हैं। हाँ, जहां के ही कुरान में आयत की हदीस की दो तीन मानी निकलते हैं, एक इमाम ने एक को इख्तियार किया, एक मुफस्सिर ने दूसरे को, वो दोनों भी वाजह करते हैं कि भाई यहाँ ये दोनों मुराद हो सकते हैं। इसी तरह हर मसले का उलमाए किराम उसी वक्त दलाइल के साथ जवाब देते हैं। तो इनके पास यह है कि, और शरी मसला ये है कि एक जुमले में जवाब बनता है, दो में भी बनता है, तीन में भी, ज्यादा ज्यादा 3 मिनट लगेगा ना, इतना टाइम हम सबको दे देंगे, जो मशनरी आएगा 5 मिनट मैं बोलूंगा, 5 मिनट उसका हक है वो बोलेगा, 10 मिनट मैं बोलूंगा, 10 मिनट वो बोलेगा, 20 मिनट मैं बोलूंगा, 20 मिनट वो बोलेगा। जब हम उनको इतना टाइम भी दे रहे हैं, जब आप 20 मिनट में अपने एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप बातिनियत कह के गलत रास्ते में पड़े हुए, जो आपसे जवाब बन नहीं पा रहा है। कुरान हदीस के इतने बाहर है, ए उलूम के बाहर समंदर है, उससे जब हम आयात हदीस निकाल के किसी को इतनी आसानी से दे सकते हैं, तो आपके लिए क्या मुश्किल है? आपके लिए क्या मुश्किल है? लेकिन खाली ये निकाली खाली जो कहते है हैं। ना बातिनियत, बातिनियत है ना, वो खाली कहने के लिए है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, इमाम साहब ने आज तक, अभी तक के जितने भी इमाम गुजरे, जितने भी फरमान अवेलेबल है, एक भी आयत का बातूनी मीनिंग समझाया नहीं है, उसके कोई फरमान में नहीं है। कोई अगर नहीं इस्माइली ला दे तो मैं उनको सलाम करूंगा, आपको नहीं है। मिलेगा वो। तो ये खाली कहने की बात है कि ये हमारा बातूनी मजहब है, बातूनी हम इमाम ये करते हैं, बातूनी तरीके पे समझाते हैं, लेकिन इमाम इमाम ने कोई भी चीज कही नहीं है कि भाई ये आयत का मैं बातूनी मीनिंग आपको बता रहा हूँ। और इमाम उतना बेवकूफ ये नहीं है, ये ऑक्सफर्ड में पढ़ा हुआ है, उनको मालूम है कि उनके फरमान में उसको क्या बोलना है। इसीलिए तो बेचारा एजुकेशन, मेरिटोक्रेसी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यही टॉपिक के अंदर जो है वो इस्माइलियों को उलझा रहा है। सेकेंड उलझा रहा जो है। है कि, अच्छा, ये जो कह रहा है कि हमें उस जमाने में मौला अली को फॉलो करते थे, आज हम इमाम जमान को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा हाँ तो सवाल फिर फिर ये ठीक है, है सब कि लोग इमाम अभी जमान चड्डी का चड्डी, नहीं, सब लोग अभी चड्डी बड्डी पहन के निकल जाएंगे, और क्या, समंदर किनारे फॉलो करेंगे इमाम अरे साहब को, और क्या कर इमाम सकते जमान का हैं। ऐसा कौन सा अमल है जिसको फॉलो किया जा सकता है? ना वो जो खुद मैंने हज बोला करते वही हैं, है बस वही है। ठीक, जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी अहमद भाई। ये खलील अंदानी ने प्लूरलिज्म का वर्ड इस्तेमाल किया ना, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी साइकोलॉजी क्या है। ये प्लूरलिज्म का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इनके पास कुरान से या हदीस से या इस्लाम के बारे में कुछ नहीं है, ताकि हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि हम हर हर कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि इन पे कोई उंगलियां नहीं उठाए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम पीसफुल हैं। ये साइकोलॉजी है, ये नए नए अल्फाज अभी आते जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में भी प्लूरलिज्म ये वगैरह। इस्लाम ना तो अच्छा, इसमें आपको मानता आपको है। एक चीज, आपको एक चीज मालूम है, ये जो प्लूरालिज्म है ना, एक्चुअली मैंने उसके ऊपर कोर्स किया हुआ है। ये प्लूरालिज्म जो है वो इस्लाम के कॉन्सेप्ट से, तौहीद के कॉन्सेप्ट से कंप्लीटली अगेंस्ट है। प्लूरालिज्म सही बात का है। मतलब क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मीन्स हाँ, सबको एक्सेप्ट। बिल्कुल आप वो क्या बिल्कुल बोलते हैं, हाँ तुम भी सही है, हम भी सही है। अरे इस्लाम तो वो कहता ही नहीं है ना, इस्लाम तो बोलता बिल्कुल ओनली ला बिल्कुल। इलाहा इल्लल्लाह, बाकी हाँ सब गलत है। ये वर्ड ये लोग इसलिए लाते हैं ना, ताकि दूसरे लोग, दूसरे कम्युनिटी इनको एक्सेप्ट करे, बोले भाई ये लोग बहुत वो है, कोई बात लेकिन नहीं, जो इस्लाम से मर्जी इसका खड़े कोई करते ताल्लुक जाओ। नहीं है। हाँ, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं, जो भी अल्फाज होते हैं ये क्योंकि इस्लाम तो कहता इस्लाम है की कि तालीमात से ओनली, अगेंस्ट है वो, कंप्लीटली अगेंस्ट है बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बट यहाँ पे है ये खलील अंदानी का लास्ट कमेंट है शायद, यू यू डू लेट योर कंप्लीट आवर एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्ट, योर क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इन 2 मिनट्स। वो खुद ही हथियार डाल दिए कि तुम्हारे सवालों के जवाब 2 मिनट में नहीं दिए जाएंगे। मौलाना कासिम साहब, कितना टाइम दे सकते हो इनको जवाब देने के लिए एक सवाल का? जब जब लाइव आ जाएंगे ना, जितना हम बोलेंगे उतना उनको टाइम मिलेगा। जब हम नहीं नहीं दो नहीं मिनट में, लेकिन कासिम साहब, कासिम साहब, कासिम साहब, उनको बोलिए जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन जवाब सीधा होना चाहिए, घुमा के नहीं। चाहे ये एक अली घंटा भाई ले ने लो, और जवाब टाइम दे सीधा दो। दिया, अली भाई ने और भी टाइम दे दिया।
माशाल्लाह, ये तो खुल के चले लेकिन गए जवाब सीधा जी। सीधा 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 जवाब चाहिए, ये हजरत नहीं आदम से लेके लेकिन जाएंगे वो नहीं, सीधे सीधा आंसर चाहिए, हाँ या ना। आदम अलैहि सलाम पे जाएंगे देखिए ना तो सवाल उनको फिर सवाल सिलसिले सनद से प्रूफ मुश्किल हो करना होगा, वो मर भी जाए, आदम अलैहि सलाम का, जाएगा। नूह अलैहि सलाम का कोई सनद मजबूत रिवायत से हमारे पास भी नहीं है। इसराइलियात है जिनके बारे में इस्लाम से मेल खाता हो ठीक है, इस्लाम के बुनियादी अकायद के खिलाफ हो, इसराइली रिवायात किस्से कहानियां हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। आदम अलैहि सलाम का वाकया आपके पास किस प्रूफ से आया, कैसे आया, कैसे बयान कर रहे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बारे में मालूमात नहीं थे। सवालात किए गए, रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि ठहरो कल मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कुछ अरसे के बाद वही आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा नाजिल किया, फरमाया कि तिल्का मिन अंबाइल गैब, ये गैब के किस्से थे आप नहीं जानते थे, नुबय्यिनु अलैक, हमने तुम्हें ये चीजें बयान की, तुम्हें बता दिया। तिल्का मिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है कुरान में, कहा कि तिल्का मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें थे। वो जब वो डाल रहे थे कि हजरत मरियम के परवरिश कौन करेगा, जब वो कुरानदाजी कर रहे थे आप वहां मौजूद नहीं थे, ये गैब की खबरें हम आपको बता रहे हैं। कुरान ने आके इन इन चीजों को बताया, हम उनको मानते हैं। बाकी जो वाकियात है, नूह अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान में है, इसलिए जितना हद तक उधर हम मानते हैं। बाकी आप किधर से लाएंगे, आपके पास कैसे पहुंचे हैं ये, जब नूह अलैहिस्सलाम का, आदम अलैहिस्सलाम का आप जिक्र करेंगे तो दलील हम मांगेंगे। फिर आप मर भी जाए, जब मैं कह रहा हूं कि मैं कोई बात उससे मुतालिक करूं, मेरे पास दलील नहीं है, क्यों, कोई प्रूफ नहीं है, जितना कुरान ने हमने बताया हमें तो उतना ही पता है जितने हदीस में, बस जहां कुरान हदीस। मौलाना कासिम साहब टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन मैं तो कहती हूँ आप आदम अलैहिस्सलाम तक जाने की बात कर रहे हैं, मैं गरीब इंसान जो है ना वो एक ही वीडियो इनके सामने रखूंगी और पूछूंगी कि खलील अंदानी इतनी सारी औरतों के साथ जिना करने के बावजूद आपका इमाम हीरा कैसे बन गया। मेरा सवाल यही होगा बस कि आप कहते हो मेरा इमाम जितनी मर्जी औरतों की गोद में सोए वो हीरा ही रहेगा। खलील अंदानी आपको हमने टॉपिक भी दे दिया, प्रिपरेशन करके आ जाओ, साबित ये करना है कि हाजिर इमाम जना करने के बावजूद भी हीरा और अल्लाह का नूर कैसे रहेगा। वीडियो का एंड चला देते हैं और इसके बाद खलील अंदानी के कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम इनको टॉपिक दे देते हैं कि हम आपसे सवालात किसके मुतालिक करेंगे, जवाबात तैयार कर लो। दो जुमले में कहना चाहता हूँ, हालांकि बगैर निकाह या किसी भी कोई रिलेशन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक काफिर, यहूदी, ईसाई, बुत परस्त, हिंदू सबके नजदीक ये मायूब बुरा समझे जाने लगा। ये ऐसी चीज है, इस्लाम से पहले भी लोग इसको गलत और बुरा समझते थे, जहालत में भी बुरा समझते थे, मुशरिकीन अरब भी बुरा समझते थे, अब भी यहूदी ईसाई ये लोग इस रिलेशन को बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, मजहबी तौर पर इससे नफरत है, और हर जो है ना जिस इंसान के अंदर फितरत हो वो इस काम को बुरा समझेगा। इस पे हम दलील देंगे, बाकी इसके जवाज के लिए दलील वो लाए। अच्छा वो कहते हैं कि आपको सीधा जवाब चाहिए पर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस्माइलिज्म का एक पार्ट समझने के लिए 2 घंटे लगते हैं जबकि रोजा को समझने के लिए 2 घंटे लगेंगे। आई विल कम इफ आई एम नॉट इंटरप्टेड और एनीथिंग, अगर आप लोग मुझे नहीं रोकोगे 2 घंटे मुसलसल और मुझे किसी बात पे नहीं टोकोगे तो मुझे 2 घंटे पूरे चाहिए इस्माइलिज्म समझाने के लिए, फिर मैं आ सकता हूँ। ताकि आप पक्के भाग जाओ, क्योंकि वो इतना पकाएगा 2 घंटों में आपको क्या आप अपने कानों में उंगलियां ठोस लोगे। अभी वैसे से बोलता ही बहुत स्लो है, क्या करना है। जी जी देखे, खलील अंदानी तुम जो है ना थियोलॉजी पढ़े हो ना, अस्सलाम वालेकुम, तुम प्रोफेसर हो ना। देखिए टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, एक है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो जब आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका आंसर यस और नो में ही देना है, बिकॉज इट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या हाँ या ना। अगर आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाए आप चाहे 3 घंटे ले लो, चलिए आ जाइए। तो क्या करना है, खाली जंदानी को 2 घंटे देने आपने अनइंटरप्टेड? नहीं, वो हम सवाल करेंगे,
अगर क्लोज एंडेड है तो ही नीड टू गिव आंसर आइदर इन यस और नो, फिर उसकी तस्री चाहिए ही नहीं ना वहां पे तो। ओके ओके अच्छा नजम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नजम भाई आपको एक क्वेश्चन जो भी है आपका वो कीजिए ताकि हम प्रोग्राम को एंड करें। जी नजम भाई, हेलो नजम भाई, आपका माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अच्छा देखिए, आप बहुत बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सुन रहा था। तो जरा ये इस तरह गुफ्तगू होना कि अगर सामने आप जिस तरह बोल रहे हैं तो सामने वाला अपने दलाइल के साथ कोई चीज अगर पेश करना चाहता है तो उसको भी क्लियर टाइम देना चाहिए, मुकम्मल टाइम देना चाहिए, उसमें इंटरप्शन ना हो। वो अपना दीन जो भी है तो वो जिस अंदाज में समझाना चाहता है उसको फिर सुनने की सलाहियत भी हमारे पास होना चाहिए। अगर हम इस तरह के बहस मुबाहिसों में मतलब आगे ये चीजें जारी रखते हैं तो उसमें फिर सुनने की सख्त लाजमी। नहीं नहीं अभी जो ये अंदानी साहब जो कह रहे थे कि मुझे 2 घंटे लगेंगे तो फिर डजन में उसमें आपको 2 घंटे सुनने भी पड़ेंगे कि वो सर क्या अच्छा, चीज मैं कह रहा उसमें है, एक वो बात बोलूं बात में नजम उसके भाई। हकाइक ना। जी, नहीं नहीं नजम भाई बात सुने, वो जो 2 घंटे की बात करने लगे ना, वो आप जाइए YouTube पे 2 घंटे का एग्जैक्ट सेम टू सेम लेक्चर आपको डिफरेंट जगह पे मिल जाएगा। अगर वही सुनना है तो वो ऑलरेडी हम 2 घंटे सुन चुके हैं। अब ये होना चाहिए कि ओके मिस्टर खलील अंदानी, वी हैव लिसन टू योर लेक्चर 2 घंटे वाला, वी नो व्हाट यू आर गोइंग टू से, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेक्चर वी हैव दिस एंड दिस क्वेश्चन, कि आपने ये 2 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, हम सुन चुके हैं, अब ये हमारे सवाल आते हैं, अब जवाब दे। जवाब देने में कौन से 2-2 घंटे लगने वाले जब मेन लेक्चर 2 घंटे का ऑलरेडी मौजूद है। ये तो दोबारा से वही चीज आकर रिपीट करने वाले, और खलील अंदानी का एक जगह पे वो 2 घंटे का लेक्चर नहीं है, इवन आर्टिकल भी आप देखोगे तो दैट इज द लॉन्गेस्ट आर्टिकल इनका फास्टिंग पे। तो इनसे कह दो कि हमने हमें पढ़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहते हो। इस्माइलिज्म हमने ऐसे नहीं छोड़ दिया बिना पढ़े, हमने तुम्हारे लेक्चर भी सुने, आर्टिकल्स भी पढ़े। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू आर राइट। बट एक चीज ना, यहाँ पर कुछ आप कुछ तस्वीर भी शेयर कर रहे थे, प्रिंस करीम आगा खान के तस्वीर शेयर कर रहे थे कुछ, तो माइट बी पॉसिबल कि ये एडिटेड तस्वीर भी हो सकते हैं और हम कोई ठेकेदार नहीं है कि एक्सक्यूज मी, हम हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम किसी को ना काफिर डिक्लेयर करें, किसी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करें, ये ठेकेदारी हमें किसी ने नहीं दिया है। हाँ हम अपने अमल से इन चीजों को ना, टाइम नहीं है, लेक्चर नहीं सुन, नहीं सुने सुने लेक्चर मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि टाइम नहीं है ना। आप पहले आ जाते तो मैं आपका लेक्चर भी सुन लेती। ये पिक्चर है, मैं आपको कहती हूँ आप मुझे प्रूफ कीजिए कि ये एडिटेड है, ठीक है। मैं इसकी वेबसाइट भी आपको दे देती हूँ। अब अगर इस पिक्चर को भी आप एडिटेड कहोगे तो फिर इसका मतलब ये कि आपने वो वेबसाइट नहीं देखी। अब मैं वो वेबसाइट आपको दे दूंगी तो क्या आप मानोगे कि ज़ारा आगा खान शराबी है और नशई औरत है, मानोगे आप? सिस्टर आप मुझे वो चीज शेयर भी करें, लेकिन अभी आपने कहा ना मैं लेक्चर नहीं सुनूंगी, यही तो आप लोगों का सबसे बड़ा मसला होता है कि हम सुनाते रहेंगे लेकिन सामने से सुनने के लिए बिल्कुल इंकार करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, बहस के लिए ना फिर दलील की जरूरत होती है और अच्छे दीजिए, खासे दलील प्रोग्राम होनी भी चाहिए। दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ, सुनिए नजम भाई, ये प्रोग्राम मैं दोबारा से, जैसे मैंने पहले वाला किया ना प्रोग्राम, अभी ये दूसरा घंटा चल रहा है, मैं इसको ऑफ करके 3rd पार्ट भी इसका चला देती हूँ। आप मुझे अभी ऑन एयर सबके सामने बोलिए कि आप इस्माइलिज्म के हवाले से मुझे सवाल जवाब कर देंगे, आप रेडी हो? जाहिर सी बात, बात सुने, बात सुने, जाहिर सी बात है, हम एक्सक्यूज मी कि इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज पे क्रिटिसाइज करना, और मैंने एक कमेंट भी किया था आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया मुझे। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम खुद किस स्टेज पे हैं, हम कितना अच्छा। अमली काम कर रहे हैं, हम इस्लाम के ठेकेदार बने हुए फिरते हैं ना। तो हुजूर पाक से लेकर ये सारे चीजें उसने, वो जमीर अख्तर जाफरी का एक चीज भी उसने सुनाया कि उनकी तरह इनकी तरह। अच्छा इसमें सिर्फ एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं आप ठीक हैं, बाकी सारे बकवास हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने भी मजाहिब हैं चाहे वो। नहीं नहीं साहब, एक मिनट नजम साहब, चलिए चलिए हम आपको सुनने के लिए तैयार है। इमाम के बारे में आपका अकीदा क्या है, चलिए आप बताइए बारे में कह रही हैं आप। जी बोलिए नजम भाई, प्रोग्राम मैंने दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया आपके लिए, बोलिए। हेलो जी जी नजम भाई बोलिए जी, किस इमाम के बारे में पूछ रहा था? कितने इमाम है आपके? और मेरे 12 इमाम है। आप शिया? एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह।
इस्माइली नहीं हो आप? नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो आप किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं एक काम कीजिए भाई, तो फिर आपके जो आलिम है, एक मिनट, आपके जो आलिम है ना, उनका एक फतवा आगा खान के बारे में जरा सिस्टर दिखा दीजिए इनको। और दूसरी बात ये कि हमें तो पहले आप मना बाद में कीजिएगा, पहले अपने घर के लोगों को बोलिए कि वो इस्माइलियों को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मेरे मोहतरम, जो हमारे 12 इमामों में से एक को भी नहीं मानते या एक को अधूरा मानते हैं, मौला अली को चौथा मानते हैं, तो क्या मानते हैं? हम उनको मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये आगा खानी है, माजरत के साथ मैं काफिर बनाने का आदि नहीं हूँ, लेकिन एक हकीकत जो है, उस हकीकत है बहरहाल, वो इसलिए काफिर नहीं कि वो हमारे 11 इमामों को नहीं मानते, एक इमाम जाफर जादे को मानते हैं या 6 को मानते हैं, बाकी 6 को नहीं मानते हैं, बल्कि इस बिना पर हैं कि वो पूरे जरूरियात। जी भाई बोलिए। अब जी, तो अभी देखिए, वो आपने जो बताया था ना काफिर कौन, अभी आप ही सोचिए, आपके इमाम है, उनको किसने राइट दिया काफिर? ये जो आपके मौलाना ने, वो इनको काफिर कह रहे, हमने तो काफिर कहा ही नहीं इस्माइलियों को, लेकिन ये कह रहे हैं काफिर। ये मौलाना ढक्कू साहब है, इनके सबसे बड़े आलम दीन, और इनके जो है वो फतवे जारी होते हैं शियों के लिए। भाई कराची में इनका बड़ा इदारा है, उनका फतवा मौजूद है, यहाँ लाहौर में इनका इदारा है, उनका फतवा मौजूद है आखानियों के हुक्म पर। इन भाई को इनके बारे में मालूमात नहीं है, ये जरा आपने शिया उलमा से पूछे, वो इनके पर बराह रास्त फौरन, और अभी तो इनके खिलाफ वो केस करने भी लगे थे इस मामले में कि ये इमामत के दर्जे में इतने खान को ये इमाम कह के हमारे इमाम की तोहीन करते, इसके ऊपर खानियों के ऊपर यहाँ तक गए जा रहे थे तशय्यु। बिल्कुल, अब मेरे पास एक फतवा है इनका, और वो भी वीडियो में है, और उन्होंने साफ कहा है कि इनके इदारों में पढ़ना भी हराम है। इनके बड़े सिस्तानी जो हैं, उन्होंने फतवा रिटर्न लेटर में भेजा, जो कि इनके आलिम दीन ने बैठ के कॉन्फ्रेंस में पढ़ा है। तो नजम साहब, हमें आके ये कहना कि तुम लोग कौन होते हो ठेकेदारी करने वाले, आप तो पहले अपने उलमा से पूछिए कि आप क्यों इस्माइलियों को बुरा भला कह रहे हो, क्यों उनको काफिर करार दे रहे हो। रही बात एडिटेड वीडियो और एडिटेड पिक्चर्स की बात है, तो ये लीजिए, पैडी माइल्स की शादी में ज़ारा आगा खान, ये पूरा वेबसाइट है, ये देखिए यहाँ पे, ये रही ज़ारा आगा खान, नीचे कैप्शन लिखा हुआ है, प्रिंसेस ज़ारा आगा खान शराब और सिगरेट पी रही हैं। अगर मुझे नजम साहब अभी साबित कर दें कि ये पिक्चर एडिटेड है, तो हम ये पूरा ग्रुप इनके हवाले कर देंगे। जी बोलिए नजम साहब। नहीं नहीं दूसरा जो है, नजम साहब शायद इमोशनल होके बेचारे आ गए कि उनको ये लगा कि शायद एडिटेड होगा। ठीक है नजम साहब, फिर ओके, बट आपके आलिमों ने भी जो है उनके बारे में फतवा दे रखा है, और उनके बारे में मैं भी, आपको इल्म नहीं है इस वजह से आप आ गए, ठीक है, लेकिन आप भी थोड़ा जो है कुरान को गौर से पढ़े भाई, ठीक है, अच्छे से गौर से पढ़े इंशाल्लाह। नजम भाई खामोश हो गए। ये सलीमा आगा खान है, ये भी इसी पार्टी में मौजूद थी अपनी बेटी के साथ, जहां इनकी बेटी शराब और सिगरेट पी रही थी। इसके बाद ये मार्क बॉयडन है, ये ज़ारा आगा खान के शौहर हैं, इनके हाथ में भी शराब का गिलास आप लोग देख सकते हैं, नाम देख लीजिए मार्क बॉयडन। ये अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ बैठे थे ज़ारा आगा खान से शादी से पहले, इसी शादी में इनका ज़ारा आगा खान के साथ जो है वो अफेयर स्टार्ट हो चुका था। सलीमा आगा खान ये बैठी हुई है, नाम आप देख सकते हैं। इसके ऊपर दो तीन पिक्चर्स हम स्क्रॉल करेंगे, तो ये लें ज़ारा आगा खान शराब और सिगरेट के साथ बैठी हैं। कौन इस्माइली इसकी बातनी तावील बताएगा? खलील अंदानी बताएंगे। खलील अंदानी साहब, बातनी तावील, ज़ारा आगा खान शराब और सिगरेट पी रही है, ये भी हीरा है, मड में गिर गया। वो हाँ वही मैं बोल रहा था कि वो तो समझ में आया, इमाम हीरा, इमाम के बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे, और ये क्या होता है, मतलब ये जब गिरते हैं तो पाक होते हैं कि नापाक होते हैं, वो भी बता दीजिए। और इनका छांटा कौन करेगा, हाजिर इमाम के मुखी और मुखियानी। असलम भाई कहते हैं ऑल आर ऑल इमाम फैमिली मेंबर्स बोलता कुरान है, नहीं पता इसका। वाय खलील अंदानी हेजिटेट टू हैव लाइव डिबेट, वो तो मौलाना कासिम बता चुके हैं। खलील अंदानी, इफ खलील अंदानी हैज टेकन द प्लेस ऑफ अबू अली मिशनरी, देन ही शुड स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इमाम्स टू इस्माइली फेलोज। ठीक है, रौनक बोगानी का कमेंट वो भी आखिर में पढ़ लेते हैं। अली भाई, अगर मैं लोगों की मदद करूं और अच्छे काम करूं, रूहानी काम ना करूं, तो जन्नत मिलेगी? ये 5वीं टाइम पूछ रहा हूँ, अली भाई आपसे ही पूछ रही है। लेकिन देखिए, उसका जवाब तो मौलाना कासिम साहब दे सकते हैं,
भाई इसमें तो मेरी लाइल्मी है, कासिम साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इनको आंसर दीजिए आप। तमाम अच्छे काम करेंगे और फिर जन्नत मिलेगी। नहीं, रूहानी काम से कौन सा मतलब है उनका, मुझे तो वो समझ में नहीं आया, लेकिन रूहानी मतलब इबादतें, इबादतें ना करूं तो, रूहानी का मतलब इबादतें ना करूं तो, सिर्फ लोगों की मदद करूं। देखिए भाई, जन्नत जो है ना, अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, कासिम साहब आंसर नहीं दे रहे बोल के मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, ईमान वालों अपने आप को तब तक कामयाब ना समझो जब तक जन्नत में ना चले जाओ, और जन्नत जो है ना उसके लिए ईमान पे खात्मा होना शर्त है, और इस्लाम वाली जिंदगी होगी तो ईमान पे खात्मा होगा, इस्लाम वाली जिंदगी होगी तो ईमान पे खात्मा होगा। इस्लाम क्या है? तो जो पांच पिलर जिसको कहते हैं वो इस्लाम है, जिसके अंदर ईमान के बाद आता है नमाज, हज, रोजा, जकात, ये कंपलसरी है। अगर ये जिंदगी होगी तो वो आप इस्लाम वाली जिंदगी बिता रहे हैं, और प्लस जो है आपको हुकूक के अल्लाह का हुकूक है और मखलूक का हुकूक है, आपको दोनों के अंदर भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीजें आप कर लेंगे और जो है ईमान पे खात्मा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। बाकी जो है आप कितने भी अच्छे काम करते रहो, टाटा टाटा बिरला जी कासिम। हेलो, अली भाई ने जो कहा है उसकी आयत पढ़ता हूँ, वल आस्र, कसम है जमाने की, एक माना ये है, दूसरा है कि कसम है असर के वक्त की, या ये भी मुफस्सरीन ने लिखा है कि कसम है उस जमाने की जब लोगों के नामाए आमाल हिसाब किताब का वक्त होगा, यानी कियामत के दिन की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है। यहाँ जो अलिफ लाम लगा है इसको अरबी ग्रामर में अलिफ लाम इस्तिग्राकी कहते हैं। अलिफ लाम की चार किस्में होती है, अहद ज़हनी, अहद खारिजी, यहाँ जो है ये इस्तिग्राकी है। जब अल इंसान का अलिफ लाम, इस्तिग्राक का मतलब यह है कि जितने अफराद इसके मातहत है सबको शामिल होता है, तो ये जो अलिफ लाम इस्तिग्राकी है कि ये तमाम जितने इंसान के अफराद है वो सब के सब खसारे में है। कहा कि इल्ला, यहां से इस्तिस्ना किया, सब लोगों में से मुस्तस्ना कर रहा है कि कौन खसारे में है। खसारे से मतलब क्या है? नुकसान, और खसारे का यहाँ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया जहन्नम, सब जहन्नम में जाएंगे, कौन नहीं जाएगा? इल्लल्लदीना आमनु, पहली शर्त, वो लोग जो ईमान लाए। अच्छा, ईमान लाना काफी है जन्नत में जाने के लिए? बीच में वाव आया, वाव मुतलक जमा के लिए आता है, आतिफा कहते हैं, हम कहते ना उर्दू में जैद आया और खालिद भी, तो ये और ये अतफ क्या होता है। वामिलुस्सालिहात, दूसरी शर्त, जो ईमान लाने के साथ नेक आमाल भी करे। फिर आ गया है वतवासौ बिलहक, इसको भी ऐड किया, वतवासौ बिसब्र, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करे, दावत भी दे, और वतवासौ बिसब्र, एक दूसरे को, अब सब्र का माना उर्दू वाला सब्र नहीं है, इताअत पर, फराइज पर जमे रहना, और नफ्स को बुराइयों से, गुनाहों से, कबीरा सगीरा से रोक के रखना, ये सब्र कहलाता है अरबी में। तो कहा कि ये सब करे। देखो, ईमान पहली शर्त, आमाल सालिहा, आमाल सालिहा में जिसको दीन में सर का दर्जा है, जो कियामत में सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज है, फिर रोजा है, फिर जकात है, बुनियाद पिलर ऑफ इस्लाम, इसके बाद फिर वालिदैन के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, अहले महल्ला के, इलाके के, जानवरों के, इंसानों के, तमाम चीजों के हुकूक, उसमें हुकूक और इबाद में आ गए, इन सब पर अमल करने वाला, फिर उसके लिए कहा कि वो खसारे में, जहन्नम में नहीं जाएगा, उसके लिए जन्नत की नियमतें हैं। नजम भाई, नजम भाई के लिए प्रोग्राम मैंने एक्सटेंड किया, ज्यादा नहीं कर सकती, एक आखिरी सवाल नजम भाई से। नजम भाई, आपने कहा कि आप इस्माइली नहीं है। जी जी, आप इस्माइली नहीं है? नहीं नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं बाड़ी बाड़ी हूँ, मैं शिया हूँ, मैंने पहले आपको फरमाया, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में, बात सुने, मैं इस प्रोग्राम में शामिल होना या इससे आपको, आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे इसमें ऑनलाइन थे तो मैंने इसको ज्वाइन किया, और ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो सूरह असर उसने सुनाया भाई ने, नाम तो मुझे नहीं आता, तो बेहतरीन तरीके से उसके तर्जुमा भी सुनाया, ये एक, जी जी मौलाना कासिम साहब ने,
तो ये एक बेहतर अंदाज है लोगों को समझाने के, और लोगों को मतलब कितने वो इस्लाम के हकायक से वो मतलब ये रिलेट करते हैं उनके मजाहिब या नहीं करते हैं वो अलग एक ठीक है। कहानी। लेकिन हम ये, मैं ये कहता हूँ कभी कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नम जाएगा, मेरा एक ये सवाल है ठीक है। कि अभी देखें जो हम दोनों, हम जितने भी यहाँ पर इन लिंक हैं, इस लिंक से हम एक दूसरे से बात करते हैं, और कौन सच्चा मुसलमान है कौन नहीं है ये सारे हम बहस मुबाहसे कर रहे हैं। ये इंटरनेट जो बनाया है जिसने हमें पूरे दुनिया को ना, ये ग्लोबल वर्ल्ड को आपस में ज्वाइन करके इतने सारे आसाइशें पूरे दुनिया को दी है, इनके साथ आखिर कयामत में क्या होगा? हम कहते हैं कि ठीक सारे है। मुसलमान ही और अमल साले अच्छा करने नजम वाले ही भाई, जन्नत में नजम जाएंगे, भाई तो सिर्फ दो ये मिनट जरा समझा रुकिए, दीजिएगा ना। समझा देती हूँ। अच्छा सवाल ये था कि जो लोग आपके इमाम मूसा काजिम को नहीं मानते, आप उनको अपना इमाम मानते हैं क्या? आप प्रिंस करीम आग खान को अपना इमाम मानते हैं? मैं अपना इमाम क्यों मानूं? वो तो नहीं इस्माइलियों का मानते? इमाम है। दोबारा बोलिए, नहीं, दोबारा बोलिए, मैं प्रोग्राम एंड करूंगी, प्रोग्राम एंड करूंगी, दोबारा बोलिए, आप इमाम नहीं मानते हैं? मैं 12 इमामों का अपना इमाम मानता हूं। आप हाजिर इमाम को इमाम मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानता हूं, मैं आइडियल अच्छा मानता इधर रुक हूं। जाइए, इधर रुक आइडियल जाइए, इधर रुक आइडियल जाइए, इधर रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपकी वॉल पर आपने अब इनके इमाम को खराज तहसीन पेश करते हुए आपने उनको इमाम भी बोला है, शाह करीम अल हुसैनी भी बोला है, अहले बैत भी बोला है, अहले वतन की तरफ से आपने उनको मुबारकबाद भी दी है। जो जी आपके जी इमाम मूसा काजिम को नहीं मानते, आप उस शख्स को जो है वो अपनी वॉल पर खराज तहसीन पेश कर रहे हो, ये आपका दोगलापन नहीं है? चले गए, चले जी, चले गए। ये है इनके हालात। इस्माइली था वो, इस्माइली। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने इनकी वॉल से पकड़ा। और कोई शिया, कोई गैरतमंद शिया जो होगा ना, वो कभी भी आगा खान को इमाम नहीं बोलेगा। कभी क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये जो आगा खानी है, ये हाजिर इमाम को अली बोलते हैं। तो कोई भी अली को चाहने वाला आगा खान को अपनी वॉल पर इस तरह खराज तहसीन पेश नहीं करेगा। दो नंबर शिया कर सकता है, कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर किसी ने कोई बात करनी है जी, मौलाना कासिम कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस यही कहना था कि ये जो भाई है, अगर वाकई ये शिया है, तो शिया के तमाम बड़े बड़े जो उनके मुज्तहिदीन हैं और उलमा हैं, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर इस्माइलियों को खारिज इस्लाम करार दिया है। ये इनके अपने स्टडी मुताले में कमी है, इसको दोबारा देखना चाहिए। अगर ये है इस्माइली और अपने आप को शिया बना के आ रहे हैं, तो उस लाइन से भी वो बना के भी आए, हम इससे बात करने के लिए तैयार है। और ये ठीक है इस इन्होंने एक सवाल किया, उसका जरा मुख्तसर जवाब मैं देना चाहता हूँ। इन्होंने जी। कहा ये जो काफिर इतने खिदमत कर रहे हैं, ये जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह के साथ जो का शिरक करे, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, जितने भी नेक आमाल करे, उन नेक आमाल की वजह से कुफ्र शिरक के साथ कुरान में आता है कि हत्ता यरी जल जमलु फी सम्मिल खियात, अगर सुई के नाके से ऊंट जैसे नहीं गुजर सकता है, इसी तरह ये लोग जन्नत में नहीं जा सकते। पूरी दुनिया के लिए अच्छे काम करे भी, ईमान शर्त है जन्नत में दाखिले के लिए, जहन्नम से बचने के लिए। माशाल्लाह ठीक है। यहाँ पे फराज भाई भी खामोश थे काफी देर से, बताने सलीम भाई भी कुछ कह नहीं रहे थे। ऐसा लगता है हम लोग ही उनको मौका नहीं देते, गिल्टी फीलिंग होती है। अगर फराज भाई, सलीम सलीम भाई और अहमद भाई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग प्रोग्राम के एंड पे कुछ कहें, ताकि आपका भी इसमें शामिल। जी फराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं खलील अदनानी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उनके इमाम ने इंटरप्रिटेशन की कुरान की नातिनी, जब हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें कोई बताए कि हक क्या है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ रखी हुई थी, किस तरीका बोर्ड में रखी हुई थी जो हमें एक्सेस ही नहीं हो पाई, ये कहाँ रखी हुई है? प्लीज उससे ये एड्रेस पूछ के बता दे तो हम उसको पढ़ लें, और अगर हम गलत रास्ते पे तो सही रास्ते पे आ जाए। मेहरबानी करके वो बताए कहाँ रखी, किस माता सलामत के पास उन्होंने रखी हुई है ये। माता सलामत, दोनों माता सलामत नहीं रही है, मतलब उनके साथ नहीं रही है, दुनिया में तो है, यहूदियों के साथ घूम रही है। तो बहुत अच्छा सवाल किया हमारे भाई फराज ने। सलीम भाई आप कुछ कहेंगे? सलीम भाई बहुत लेट बेचारे जाग रहे हमारी वजह से।
सलीम भाई का माइक म्यूट है, सुन रहा हूँ मैं। जी 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 सलीम भाई जी जी, नहीं बस ठीक है माशाल्लाह, सब सही बोल रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया सुनने का, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं साथ चाहिए। अहमद भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत में भी उन्होंने बहुत अच्छा। अहमद भाई कुछ कहना चाहेंगे खलील अंदानी के एक्सपोज होने पे? बहुत लोग तारीफें कर रहे हैं यहाँ पे कि खलील अंदानी को बहुत अच्छे से पकड़ा। जी अहमद भाई जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे उलमा मौलाना कासिम और मौलाना मुमताज साहब हो तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम गुफ्तगू करूँ, क्योंकि इनकी बात सुनने में मुझे बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह यही कहना चाहता हूँ। अल्लाह का साया हमारे ऊपर, अल्लाह की रहमत हमारे साथ, मौलाना कासिम और मौलाना शेख मुमताजुल हक के जरिए। खलील अंदानी आखिर में भी फड़फड़ा ही रहे हैं बेचारे परेशान होके, कम टू स्माइली जिनोसिस, कम टू स्माइली नॉनसेंस। मैं तो उसे नॉनसेंस बोलती हूँ, मुझे इतना प्रोनाउंस भी करना नहीं आता, तो स्माइली नॉनसेंस ही है। एंड यू विल नो, कहते हैं मेरे वेबसाइट पे आ जाओ अगर कुछ सीखना है तो। चलो जी सारे वहां पे अमूमन लोग आके ना एक सवाल कॉमन करते हैं, ये शिया भाई ने भी किया कि तुम्हें किसने हक दिया है कि किसी को काफिर डिक्लेयर करो, या तुम्हें किसे हक है तुम इस्लाम के ठेकेदार हो? तो मैं उनसे बार बार अर्ज करता हूँ कि भाई हम कोई इस्लाम के ठेकेदार नहीं है, अलबत्ता हम इस्लाम के गेट पे चौकीदार है। जो लोग अंदर महल में है वो तो है, लेकिन कोई डाकू उसमें घुसने की कोशिश करे तो चौकीदार का एक काम है कि उसको उसका निकाब उतार दे, लोगों को बताए कि भाई ये जो है ना इमारत वाला नहीं, ये डाकू अंदर घुसना चाह रहा है, तो हमारा ये काम है। अब किसी को काफिर देखे हम कोई बड़ेदार लिफ्ता लेगा कि नहीं बैठे किसी को डिक्लेयर करे, उसके लिए उम्मत मुस्लिमा के तमाम बड़े यूनिवर्सिटीज बड़े इदारे उलामाए किराम मुत्तफिका तौर पर फतवा दे चुके हैं। हम सिर्फ वो फतवा बता सकते हैं बड़े बड़े उलामाए किराम की, हम अपने तरफ से किसी को काफिर मुशरिक मुनाफिक मुर्तद जिंदीक नहीं कह सकते और हम कहते भी नहीं है। हम उन पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफिका जो फतवा है उसका हवाला देते हैं, बताते हैं। तो हम ठेकेदार नहीं है, सिर्फ इस्लाम के चौकीदार है। कोई और आकर इमारत में घुसना चाहे उसको पकड़ने के लिए बैठे कि भाई ये जो है ना ये कोई और गैर है, घर वाला नहीं है, बस हमारे चौकीदारी का काम है सिर्फ। अच्छा आखिर में जो है वो असलम भाई माशाल्लाह यूट्यूब पे बहुत जबरदस्त कमेंट करते हैं, हमें पूरा प्रोग्राम फॉलो करते हैं, हर एपिसोड में साथ होते हैं। असलम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर। हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, इनशाला आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे तो आपकी बातें भी लोगों के लिए जो है मशले राह बनेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हक नवाज आफरीदी भाई हमारे साथ व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मौजूद हैं, इनके कमेंट्स भी बहुत बेहतरीन होते हैं। मेरे भाई एहतशाम मामूर भी आज आए और उन्होंने भी जो है वो एक कमेंट किया, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपनी मदद भेजना शुरू कर दी है उलमा कराम के जरिए। और जो रिवर्स मुसलमान हो गए, इस्माइली से मुसलमान हो चुके हैं, वो भी अब जोग दर जोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि हम लोग 5 से 10, 10 से 20 और फिर हजारों हो जाएंगे, और इसी तरह इस्माइलिज्म खत्म हो जाएगा और इस्लाम फैलेगा इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। कासिम भाई आखिर में हम सब के लिए और तमाम इस्माइली जमात के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ जिनको ईमान और सही रास्ते की जरूरत है, मौलाना कासिम की दुआ से एंड करते हैं प्रोग्राम को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना कासिम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबी व अहले बैतिही अजमाईन। اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، اللهم انا نسالك رزاك والجنه الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. يا الله ہم سب کے صغیرہ کبیرہ عمدن قصدن بھول چوک جتنے خطا ہوئے اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب والدین جو دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे औलाद जिनके औलाद नहीं उनको नेक सालेह मुसलमान मुत्तकी परहेजगार औलाद नसीब फरमा, जिनके औलाद है सबको मुत्तकी नेक परहेजगार मुसलमान बना। या अल्लाह जब तक जिंदा है ईमान के साथ सलामत फरमा, मरते वक्त हम सबके जबान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के जितने भी गुमराह लोग हैं या उम्मत मुस्लिमा में जितने भी
دین سے دور لو کہ یا اللہ سب کو دیندار نیک صالح بنا، یا اللہ ہمارے جتنے بھی اسماعیلی بھائی ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے ہم ان کے لیے بھی دن میں بھی رات میں بھی تہجد میں بھی ختم قرآن میں بھی دعا کرتے، یا اللہ ان سب کے لیے دین پر چلنا حق کی طرف آنا ان سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔